यूं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आबादी का लगभग 67% हिस्सा कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है। देश में बहुत अधिक भूमि पर खेती की जाती है, लेकिन अनाज का उत्पादन बहुत कम होता है। इसका एक मुख्य कारण है केमिकल फार्मिंग। किसान अपने खेतों में केमिकल का प्रयोग करके अपनी खेती को नष्ट करता जा रहा है। इसका निवारण है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों को प्रशिक्षण देकर उनके आने वाले कल को अच्छा बना रहा है एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन। आज हम एक ऐसे ही किसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन से खेती का प्रशिक्षण लिया और अब वो जैविक खेती के काफ़ी फायदे उठा रहे हैं। जय श्री राम। मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य है। मैं राजापुर ग्राम राजापुर पोस्टकर्मा IBD सेंटर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमें मतलब जैविक खेती के बारे में बताया। ये जो हम खेत में बोए हैं, इसमें आलू खुद गई है, पालक कोहड़ा और टमाटर लहसुन, ये सब मैं जैविक खेती के आधार पर ही किया हूँ। इसके पहले रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे, लेकिन जब से IBD सेंटर वालों ने हमको बताया कि रासायनिक खाद नुकसान कर रही है, तब से हम उसको छोड़ के जैविक खेती का प्रयोग कर रहे हैं। जो इस समय हमारे खेत में लगा है फल या सब्जी, मैं जैविक ही खेती से उसको उत्पन्न कर रहा हूँ। हमारी इनकम भी होती है, हम इसको मार्केट में बेचते भी हैं। जब से हम केमिकल या रासायनिक खाद DAP यूरिया डालते थे तो हमारी ज़मीन बंजर हो जा रही थी। जब से हम ये जैविक खाद या गोबर डालने लगे, तब से हमारी खेत सुधार हो रहा है, अच्छा है खेत इस समय। अपने जीवन में आए इस बदलाव के लिए राकेश मौर्य एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं एकल फाउंडेशन IBD सेंटर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से ये हम लोग को जानकारी दिए हमारे गाँव को हमको, तब से हम लोग इसको करना शुरू किए हैं। नहीं तो हमारी ज़मीन और उर्वरा शक्ति इसकी ख़त्म हो जाती है।